नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। नगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में स्थापित कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मल्लायुक्त ने बुधवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मल्लायुक्त ने कहा कि जिले में पिछले 3 से 4 दिन से कोरोना के केसेस कम आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर जिले की जनता इसी तरह सहयोग करती रही तो जल्द से जल्द कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में मल्लायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री को जनपद वासियों की चिंता रहती है, वे प्रतिदिन फीडबैक लेते रहते हैं। बुधवार को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत जीजीआईसी में स्थापित कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मंडलायुक्त ने होम आइसोलेशन, आने वाली काल और कहां कहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं, मेडिसिन की ट्रेनिंग आदि की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि कंट्रोल पूरी तरह से अच्छा है। उन्होंने कहा कि जनपद वासियों के सहयोग से पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसी तरह अगर लोगों का सहयोग मिलता रहा तो आने वाले कमियों को पूरी की जा सकती है। यही जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य चल रहा है, इसके लिए प्रशासन लगातार सरकार के संपर्क में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सब कुछ सामान्य रहा और कोई बाधा नहीं आई तो इस माह में ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में मंडलायुक्त ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रतिदिन कोविड की समीक्षा बैठक जिले के हाल में लेते हैं, उनको जनपद वासियों की भी चिंता रहती। उन्होंने कहा कि लेकिन जिले में उनके आने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे आया था, जिलाधिकारी भी यहाँ पर हैं, सीएमओ साहब और एसआईजी साहब हैं, तो हमने पूरी व्यवस्था देखी है। तो अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से जो है इन्फेक्शन काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। अभी जहाँ पहले जो है 500-600 केस डेली आया करते थे, अब 100-125 की रेंज में है। पॉजिटिविटी भी अब इस समय काफ़ी कंट्रोल में है, और जैसा कि हम लोगों को फीडबैक मिलता है फ़ोन के माध्यम से और जो है अधिकारियों से और जो कर्मचारियों से बात करके जानकारी मिली है कि सिस्टम सब काफ़ी कुछ स्ट्रीमलाइंड है। और मेरा ये मानना है कि अगर यही सावधानी हमारे जनपद वासियों ने, सम्मानित जनपद वासियों ने 8-10 दिन तक ऐसी रखी तो हम लोगों के यहाँ जो कोविड का प्रकोप है वो काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। और मेरा मानना है कि 10-15 दिन में स्थितियाँ काफ़ी सामान्य हो जाएंगी। सर, ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता हो गई है? देखिए, इस समय जो मैं देख रहा था तो इस समय हमारे पास बेड्स की उपलब्धता अच्छी है। मतलब इस समय अगर कोई पेशेंट जो है, अगर किसी को ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता होगी तो उसे ऑक्सीजन बेड मिल जाएगी और हम लोग कंफर्टेबल स्थिति पे हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो ऑक्सीजन की सप्लाई का मैनेजमेंट करा गया है वो अब बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो गया है, तो हम लोग भी प्रयास करते हैं और हमें हर दूसरे दिन या तीसरे दिन हमें ऑक्सीजन मिल जा रही है। हाँ, ये बात है कि हमें मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन पर नज़र रखनी पड़ रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि ऑक्सीजन के बिना कोई घटना हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ पीजीआई में प्लांट बनना था, कब तक कम्प्लीट हो जाएगा? देखिए, वो जिलाधिकारी उसका रेगुलर उसकी समीक्षा कर रहे हैं और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज भी उसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो उसमें इन्होंने पैरेलल काम चालू कर रहे हैं। जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने अभी तैयार कर दिया है। कितना हो चुका है हमारा बेस? बन गया, फिजिकल बेस बन गया है। प्लांट आना है, उसके लिए सतत संपर्क करा जा रहा है और इस पर शासन स्तर पर भी इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। यदि कोई दिक्कत हो रही है तो उनको बताई जाए, हमने उनको अवगत कराया है। और मेरा मानना है कि हमारे पास 25 तारीख तक और या 30 तारीख तक ये हमारा प्लांट बन जाना चाहिए, अगर सब कुछ सामान्य रहा। सर, मुख्यमंत्री जी का संवाद प्रोग्राम कुछ है? नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सब लोग सतत संपर्क में रहते हैं और चिंता भी इस आजमगढ़ मंडल की करते हैं, तो रोजाना फीडबैक और सब चीज़ें जानकारी करते हैं, तो इसके बारे में, लेकिन जो उनका भौतिक निरीक्षण है उसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।